गुड मॉर्निंग, गुड हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड हैप्पी मॉर्निंग मैम, दिवाली। गुड हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, हैप्पी दिवाली, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली सभी एंड को, एवरीवन, हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली। तो आज सब ठीक रहा? तैयारी से सुबह बजाते हो, बहुत आवाज आती है, सब एक साथ बजाते हैं ना तो इसीलिए आवाज आती है। तो चलिए ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहले प्राणायाम से ही शुरू करेंगे, 5 मिनट अपने आप को रिलैक्स करेंगे प्राणायाम, और उसके बाद में आज डीएनए क्लिंजिंग मेडिटेशन कराऊंगी। डीएनए क्लिंजिंग, बॉडी की भी आज सफाई होगी। अब चलिए आपको डीएनए क्लिंजिंग के बारे में बताती हूँ। डीएनए क्लिंजिंग हमें क्यों करना चाहिए, डीएनए क्लिंजिंग हमें क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा एक बार सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हम कैसे हैं, हमारे मदर की तरह, फादर की तरह, कभी कभी कोई कोई मामा की तरह दिखता है। आपके मामा के बहुत सारे ट्रेट्स क्वालिटीज आपके अंदर आई है, आपके नाना नानी की, और इधर आपके दादा दादी की भी हो सकता है। दादा दादी से पहले की कोई आपके एंसेस्टर हो, आप बिल्कुल हूबहू उनकी तरह दिखते हो, है ना। तो क्या होता है कि ये सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज ही नहीं, आप अपने मम्मी पापा की तरह या दादा दादी की तरह या किसी की तरह दिख सकते हैं। तो सिर्फ फिजिकल क्वालिटी ही नहीं आपके अंदर आती, आपके डीएनए में भी बहुत सारे उनके हैबिट, जो उनके फियर्स रहे हैं, जो उनके ट्रॉमाज रहे हैं, उनका पेन जो रहा है, उनकी जो आदतें रही हैं, बेसिकली जो उनकी नॉलेज रही है, वो सब भी आपके अंदर आता है। जो डीएनए होती है ना, वो एक तरीके की मेमोरी होती है। जो डीएनए सेल्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन वगैरह वगैरह, छोटे छोटे जो जीन्स होते हैं, उसमें मेमोरीज होती है, और उन्हीं मेमोरीज से क्या होता है, हम बनते हैं। वो मेमोरीज, जो डीएनए ट्रांसफर होता है, वो एक मेमोरी ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे कि उनके हाथ पैर और बाकी सारे जो आंखें चेहरा में कुछ कुछ चीजें मैच करने लगती हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनसे आपके अंदर बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे ट्रेट, बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी मेमोरीज भी आई हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे कर्मा भी आते हैं। बहुत सारे कर्मा किस लिए आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिया है, जो पेन फील करा है, वो चीज आपके अंदर आ जाएगी, उनके मम्मी पापा के अंदर। आपके मम्मी पापा ने जो पेन प्रॉब्लम्स झेली है, वो आपके अंदर आ जाएगी। अक्सर आप देखते होंगे कि मान लीजिए किसी की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, किसी के पापा बहुत ज्यादा शाये हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो उनकी जो क्वालिटीज होती है वो किसी न किसी बच्चे के अंदर आ जाती है। और कहा जाता है कि ये तो अपने पापा की तरह ही है ना, कि ये तो बात, आवाज इसकी बिल्कुल पापा की तरह है, ये तो बात बिल्कुल पापा की तरह करता है, या ये एकदम अपनी मम्मी की तरह है, इसके गुण, इसकी क्वालिटीज भी अपनी मम्मी की लग गई है, इसकी मम्मी भी ऐसी चीजें करा करती है, कि ये भी ऐसी चीजें कर रही है। तो वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि उनकी क्वालिटीज आपके अंदर आई है जीन्स और डीएनए के माध्यम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डीएनए क्लिंजिंग करना ज्यादा जरूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमें वो पेन और सफरिंग जो हम डीएनए के थ्रू अपने में लाए हैं, जो जिसको जंक डीएनए बोलेंगे, कुछ अच्छी क्वालिटीज आ गई तो वो अच्छी बात है, बट कुछ जंक डीएनए जो आ गए हैं उनको भी हमें रिलीज करना होता है, ठीक है। जंक डीएनए को रिलीज करना होता है, और कुछ ऐसे मेमोरीज उनके जो उनके लिए ठीक नहीं है, कुछ ऐसे हैबिट्स जो सही नहीं है, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कि पुराने जमाने में किस तरीके के लोग हुआ करते थे, किस तरीके के बिलीफ सिस्टम हुआ करता था, कितना ज्यादा महिलाओं को सैक्रिफाइस करना पड़ता था, और कितना फियर की एनर्जी में रहना पड़ता था। आपकी मम्मी, अगर आप उन्हीं को देख लीजिए, तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना सब कुछ कहा है, कितना सब कुछ देखा है। मे बी जब आपका बर्थ भी होने वाला हो, तो उस पीरियड में बहुत ज्यादा उनको दबाया जाता हो, या सैक्रिफाइसिंग की एनर्जी में रहती हूँ वो, और फियर की एनर्जी में रहती है, पता नहीं किस समय में आपका बर्थ हुआ, तो वो सारे डीएनए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाहर की, हमारे अंदर जो इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से तो हम फियर या गिल्ट ये सब महसूस कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे डीएनए में भी ये आ जाता है। तो वहां से भी हम अननेसेसरी, पता नहीं क्यों हमको लगता है कि हम पता नहीं क्यों फियर महसूस कर रहे हैं, या हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल ऐसा निखार के बाहर के लेके आए, लेकिन एक डर है जो अंदर बार बार हमें रोक लेता है। तो वो हैबिट्स में ही है, तो रुक तो जाएंगे ही आप। जैसे कि हमारी जो कोई हैबिट है, हैबिट तो जल्दी चेंज होती नहीं है, हैबिट चेंज करने के लिए आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है, काफी टाइम तक
या फिर आप उस पेन से बाहर निकल जाएं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जैसे किसी को लव नहीं मिला है, तो जिंदगी भर आपके मम्मी पापा या मम्मी अपने हस्बैंड के लव के लिए तरसती रही हैं मान लीजिए, तो कुछ अगर वो क्वालिटीज आपके अंदर, तो अपने आप ही आपको क्रेविंग रहेगी और अपने आप ही आपके अंदर एक थॉट, एक मेमोरी रहेगी कि मुझे प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। बचपन से ही ऐसा रहेगा। अगर आपकी मदर को नहीं मिला और वो अपने बचपन में भी, उनका जो बचपन रहा वो भी नार्सिस लोगों के बीच में गुजरा, उनके हस्बैंड भी अगर सही नहीं रहे, तो उनकी शादी हुई, वहां उन्होंने बहुत सफरिंग करी और आपका फिर बर्थ हुआ, तो आपके अंदर भी वो अननोन फियर या एक जो मेमोरी होती है कि मुझे लव नहीं मिला, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो हम डीएनए क्लिनिंग इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे, हमने जो झेला है वो अगर है तो वो तो हम रिलीज करें, लेकिन अगर हमारे मदर फादर की भी कोई मेमोरी है जो हमारे अंदर आ गई है, या कोई उनका हैबिट है, या उनकी कोई क्वालिटी है जो हमारे अंदर आ गई, उनका कोई पेन ट्रोमा हमारे अंदर आ गया है, तो हम डीएनए क्लिंजिंग कर करके उनको रिलीज करें। देखिए, अगर आप डीएनए क्लिंजिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करते जाते हैं और मेडिटेशन और बाकी सारी चीजें करते जाते हैं, तो एक टाइम के बाद आपका जंक डीएनए रिमूव तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप एक नए बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं, नए बिलीफ सिस्टम अपने अंदर ला रहे हैं, आप अपने मदर फादर के जो बिलीफ सिस्टम है, जो पैटर्न है, उसको ब्रेक करते हुए आ रहे हैं। और ब्रेक कैसे कर रहे हैं, अपने थॉट के थ्रू आप सोच रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, चपरास कर रहे हैं, बाकी मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप अगर डीएनए क्लिंजिंग ना भी करें तो चलेगा, कोई ऐसा नहीं बहुत जरूरी है कि नहीं ये नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। डीएनए ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो, साधना कर रहे हो, जैसे जैसे अपने बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हो, अपने अंदर के फियर रिलीज कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड हील कर रहे हैं, बिलीफ सिस्टम हील कर रहे हैं, चेंज तो हो ही रहा है। लेकिन अगर हम डीएनए क्लिंजिंग करते हैं तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है ना, और जल्दी जल्दी हम चीजें कर सकते हैं और जल्दी जल्दी चीजें रिलीज कर सकते हैं। हम बाकी सारे मेडिटेशन भी तो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी हो, है ना। अगर हम रिलैक्स भी रहना चाहते हैं, बैलेंस रहना चाहते हैं, तो जल्दी हो, इसीलिए हम बाकी सारे मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर भी करते हैं और तरह की मेडिटेशन मतलब कि ट्राई करते रहते हैं, इसीलिए कि हमारा प्रोसेस फास्ट हो और हमारा मन लगा रहे। तो डीएनए क्लिंजिंग भी हम आज करेंगे, अपनी पूरी बॉडी पे फोकस करेंगे और बॉडी के सेल्स में जो भी नेगेटिविटी है, जैसे मेडिटेशन बाकी सारे करते हैं वैसे डीएनए क्लिंजिंग मेडिटेशन करके जो भी बॉडी की नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेंगे और गॉड से प्रे करेंगे कि वो हील करें जंक डीएनए है जो आपका। तो आज तो गॉड की प्रेजेंस में हम करेंगे तो काफी सारी चीजें डेफिनेटली रिलीज होंगी, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो एक दो बार और भी आप ट्राई कर सकते हैं, दो तीन बार भी ट्राई कर सकते हैं। इसका एक वीडियो है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने अपने डीएनए क्लिंजिंग के टाइम पे उसको यूज किया था, तो उसका जो लिंक है मैंने अपने वीडियो में भी शेयर करा था, मैं यहाँ पे भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उससे भी कर सकते हैं। और ये जो आज डीएनए क्लिंजिंग का मेडिटेशन है वो भी तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगी। लेकिन चले तो फिर अब हम करते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए क्लिंजिंग हम क्यों करना चाहिए और क्यों करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको पूरा का पूरा फोकस करना है, जैसे जैसे कराऊंगी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और बॉडी के अंदर ही हम जाएंगे अपने। रिलैक्स होके बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, आईज क्लोज रखते हैं। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, खुद को रिलैक्स कीजिए। डीएनए क्लिंजिंग मेडिटेशन में डीप जाना बहुत जरूरी है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। और डीप आपको जाने के लिए आप अपनी जाती हुई यानी बाहर निकलती हुई 10 सांसों को काउंट करें। बाहर जाने वाली 10 सांसों को काउंट करें।
नेचुरल और रिलैक्स सांसें लें। सांसों को काउंट करने के बाद आपका पूरा ध्यान आपकी आती जाती सांसों पे लेके जाएंगे। आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, थोड़ा सा आप डीप हैं। अब आप आर्कएंजल राफेल को याद करेंगे, क्योंकि वो हीलिंग के एंजल हैं, तो हम उनको इनवाइट करेंगे। अपने अपने एंजल, अपने अपने गॉड, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको याद कर लीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए, उन्हें इनवाइट कर लीजिए। कैसे इनवाइट करना है? मन में बोलना है कि आपके एंजल नहीं, सबसे पहले अपने गॉड को, अपने गॉड को याद कीजिए और उनसे बोलना है कि मैं आपको इस मेडिटेशन में इनवाइट करती हूँ। और आपकी हीलिंग एनर्जी, आपका हेल्प एंड सपोर्ट इस मेडिटेशन में क्लेम करती हूँ। और आज जो डीएनए क्लिनजिंग हम कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी जंक डीएनए हो हमारे अंदर, उसको हील करने में आपका हेल्प एंड सपोर्ट क्लेम करती हूँ। अब आर्कएंजल राफेल को भी याद करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल राफेल ही हैं हीलिंग के एंजल। उनको याद करेंगे, उनको बोलेंगे, कलेक्टिव में आप सब लोग याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट होंगे, होंगी वो एंजल है, तो याद करें उन्हें और इस मेडिटेशन में इनवाइट करें। आर्कएंजल राफेल से प्रे कर लीजिए कि जो भी रिक्वायरमेंट हो मेरे अंदर हील होने के लिए, जो भी जंक डीएनए हो, जो भी नेगेटिव पेन या ट्रॉमा हमारे एंसेस्टर कर्मा हो, वो सब हमारे डीएनए से रिलीज करें। और हम आपसे अपना न्यू डिवाइन डीएनए क्लेम करते हैं। हम अपने अंदर हमारा न्यू डिवाइन डीएनए आपसे क्लेम करते हैं, हमारे अंदर हमारे डीएनए हील करते हैं। चलिए, इतना प्रे करने के बाद अब आप बिल्कुल उनको धन्यवाद करेंगे, थैंक्स बोलेंगे और रिलैक्स रिलैक्स फील करेंगे। ध्यान अपने सांसों पे लेके जाएं। Thank you.
लहर आपका ध्यान आपके आती जाती सांसों पे लेके जाए। डीएनए हीलिंग के लिए आपको अपनी बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा मतलब आपको अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने पूरे ध्यान को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना पड़ेगा, पूरा बॉडी को फील करना पड़ेगा, अपनी डीएनए को फील करना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे जीन्स ऑर्गन्स को फील करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं आपको फील कराऊंगी। फील करेंगे बस आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे और विजुलाइज करते रहेंगे। ऑब्जर्व कीजिए आप किस तरीके से बैठे हैं, अपना पोस्चर ठीक करें, अपने स्पाइनल कॉर्ड को ठीक करें। अगर आप गलत पोस्चर में बैठे हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएं, झुक के ना बैठें, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे, सर ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, स्ट्रेट और सीधा। आपका ध्यान आपकी थर्ड आई पे लेके जाएं। आपका ध्यान अपने क्राउन की तरफ लेके जाएं। आपका ध्यान अपने थ्रोट की तरफ लेके जाएं। ध्यान को वापस थर्ड आई पे, ध्यान को अपने हर्ट चक्र पे लेके जाएं। ध्यान को अपनी नाभि पे लेके जाएं। ध्यान को नाभि पे लेके जाएं। ध्यान को अपने रूट चक्र पे लेके जाएं। ध्यान को अपने लेग्स पे, राइट लेग्स इस तरीके से रखे हुए हैं, लेफ्ट लेग पे ध्यान लेके जाएं किस तरीके से रखे हुए हैं। ध्यान को अपने घुटनों पे लेके जाएं, राइट लेग के घुटने, लेफ्ट लेग की नी। फील कर रहे हैं आप डीप ध्यान में जाते जा रहे हैं, ज्यादा कोशिश करें स्थिर रहने की, हिलने डुलने का प्रयास ज्यादा ना करें, बहुत जरूरी हो तभी हिले डुले। बिल्कुल अलर्ट अवेयर और डीप ध्यान में है आप। अब आप अपने सभी बॉडी पार्ट जो आपके लिए ठीक से वर्क कर रहे हैं, आपको हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, उनको थैंक यू बोलेंगे, उनके लिए अपना ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। जैसे कि आंखें कितना हेल्प कर रही हैं आपको, आप कौन है, पहले तो आप एक आत्मा है और आपने ये जो बॉडी है वो एक कपड़े की तरह पहना हुआ है, तो ये बॉडी आपका सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है इस अर्थ पे आपको नॉलेज सीखने में। तो अगर ये नहीं होती तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते थे, इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहना है आपको। आँख, नाक, मुंह, आपके हाथ पैर, आपके एक एक ऑर्गन, ये सारे मिलके आपकी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, आपका हमेशा साथ देते हैं और इसलिए आप बाकी सारी चीजें कर पाते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए
अपने सभी ऑर्गन्स के प्रति आपको ग्रेटफुल रहना है। तो सभी एक एक बॉडी पार्ट को याद करते हुए उन्हें थैंक यू बोलें, अपनी आंखों को याद करें और उन्हें थैंक्स बोलें, अपने नोज को, अपने लिप्स को थैंक्स बोलें, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। जैसे कि आप और आपकी बॉडी अलग हो और आप इसको देख करके थैंक यू बोल रहे हैं, जैसे ये आपकी फ्रेंड हो और आप इसको कह रहे हैं कि मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी स्किन को, अपने हेयर को, अपने हर्ट को, अपने हैंड को, यहाँ तक कि अंदर के ऑर्गन, आपके यकृत, आपके लिवर, आपके पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, आपके सेक्स ऑर्गन, उनको भी थैंक्स बोलें। सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। इनमें से कोई भी नहीं होगा तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी हैप्पीनेस के लिए कितना ज्यादा ये जरूरी है। बहुत ही हैप्पीनेस के साथ इनको थैंक्स बोलिए, जैसे कि आप इनको लव कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जैसे कि आपके दिल में इनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। जैसे कि आप इनकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, इतनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग अपने बॉडी के प्रति लेकर आइए। और थैंक यू बोलिए इन सभी को। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके दिमाग को भी थैंक यू बोल लीजिए, उसको तो हम भूल ही गए सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आपका पूरा नर्वस सिस्टम, आपकी मेमोरी, आपका दिमाग, थैंक्स बोलिए। जो भी हो, जैसे भी हो, बुद्धू ही हो, लेकिन मुझे बहुत पसंद हो, मेरी बहुत हेल्प करते हो, दिमाग को बोलिए। तुम भी गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स। करें अपनी बॉडी में, आपका ध्यान आपके हार्ट पे लेके जाएं, आपका ध्यान आपके गले पे लेके जाएं, आंखों पे ध्यान लेके जाएं, जिससे आपके काम करती हैं, कितनी सुंदर हैं। ध्यान आपके हाथों पे लेके जाएं, आपके हैंड, कितने सुंदर हैं, रिलैक्स। पूरी बॉडी को आप एक बार अब्सॉर्ब करेंगे, ऊपर से नीचे पूरी बॉडी को अब्सॉर्ब करेंगे और रिलैक्स फील करेंगे। जैसे सब कुछ ठीक है, अब आर्कएंजल राफेल को याद करें और आर्कएंजल राफेल थोड़ा सा ऊपर यूनिवर्स में, आप जहां भी हैं आसमान में फील करें उनको, कि आपके रूम में थोड़ी सी ऊंचाई पे वो हैं।
अब वो आपके डीएनए को हील करने के लिए आपकी हीलिंग, अपनी हीलिंग एनर्जी, हीलिंग रेज आपकी तरफ छोड़ेंगे और ये हीलिंग रेज आपको ऊपर से नीचे तक स्कैन करेगी और आपके एक एक पोर्स में, आपके एक एक जीन्स में, एक एक ऑर्गन में जाके जो भी नेगेटिविटी है उसको हील करेगी, आपके पोर्स को, आपके बॉडी के ऑर्गन्स को, आपके एक एक सेल को बॉडी के क्लीन करेगी, आपके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचेगी, ऐसा आपको फील कर। प्रे करें सबसे पहले आर्कएंजल राफेल, आपसे प्रे करते हैं कि अब हम रेडी हैं अपने डीएनए को, हमारे डीएनए को हील करें। बस सिंपल सा प्रेयर, आपने पहले प्रेयर तो कर ही ली है, तो अब फील करेंगे आर्कएंजल राफेल को धन्यवाद कहें और अपने सामने थोड़ी सी ऊंचाई पे आर्कएंजल राफेल को फील करें और उन्होंने अपने हाथों से ग्रीन कलर की हीलिंग एनर्जी, ग्रीन कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपकी तरफ भेजना शुरू करी है। फील करेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपके सर पे पड़ना शुरू हुआ है। आपके हेड तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पहुंच रहा है, आपके पूरे हेड को स्कैन कर रहा है। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, आपके फेस, आपके नोज, आपके लिप, आपके गले तक पहुंच रही है, धीरे धीरे नीचे बढ़ रही है, आपके शोल्डर, आपके हार्ट, चेस्ट, फिर आपके और नीचे पेट तक। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे ऊपर से नीचे तक पूरा आपकी बॉडी को स्कैन करेगी और आपके अंदर तक पहुंच रही है, फील करेंगे। फिर और नीचे पेट से और नीचे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे आपको स्कैन करती हुई जा रही है, आपकी थाइज, आपके नीज, आपके हैंड, आपके लेग, फील करेंगे नीचे से अब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रेस को, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये आपको स्कैन करती जाएगी और आप इसको फील करते जाएंगे। अभी ये स्कैनिंग स्लो हो रही थी, अब और फास्ट फास्ट ऊपर से नीचे ये रेज आपको स्कैन करेंगी और करती रहेंगी। और अब आप अपनी बॉडी के अंदर फील करें, अंदर क्या चल रहा है, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, बिल्कुल रिलैक्स होके सिर्फ अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। फील करेंगे कि आर्कएंजल राफेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आपके बॉडी पे पड़ रही है और आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रही है। आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रही है, बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है, जंक डीएनए, जो भी नेगेटिव जीन्स है, जो भी रॉन्ग कोडिंग्स हैं, वो सब चेंज हो रही हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से चेंजिंग होना शुरू हो गई है। पूरी बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज स्कैन कर रही हैं। आपके बॉडी के हर पार्ट में कोडिंग होना शुरू हो गई है। आप अपने डीएनए के कोडिंग डिकोडिंग्स अगर आप जानते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि उसमें जो जीन्स के पैटर्न्स होते हैं, जो कुछ ऐसे अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, उसमें
जिसका जैसा भी अरेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जीन्स बनते हैं। तो हमें फील करना है, एकदम बॉडी के अंदर जाना है, फील करना है कि एक एक सेल में, एक एक डीएनए में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। विजुलाइज कीजिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं विजुलाइज हो रहा है तो सेल्स को विजुलाइज करें। सेल को सबने देखा होगा, विजुलाइज करेंगे कि सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं। जो जंक सेल्स हैं वो मर रही हैं, न्यू सेल्स क्रिएट हो रही हैं। आपके डीएनए के रॉन्ग अरेंजमेंट, रॉन्ग कोडिंग डीकोड हो रही है, चेंज हो रही है और न्यू कोडिंग्स हो रही हैं, नई तरीके से अरेंजमेंट हो रही है। आपके हेड में सारे न्यूरॉन्स में चेंजिंग हो रही है। करते रहें या स्कैनिंग फील नहीं कर रहे हैं, स्कैनिंग तो हो ही रही है, बॉडी को फील करते रहें। जितना अंदर आप बॉडी को फील कर सकते हैं फील करें, कभी हेड को फील करें, कभी चेस्ट को फील करें, कभी थाइस, कभी नीज को फील करें, लेग को फील करें, पूरी बॉडी में कहीं कहीं अपना ध्यान लेके जाएं और वहां पे फील करें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और वहां पे विजुलाइज करें कि यहां की चीजें चेंज हो रही है। जंक डीएनए खत्म हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, न्यू डिवाइन डीएनए जनरेट हो रहे हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन हो या थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील हो या कुछ भी, तो उसको इग्नोर करिए, उसके साथ बने रहिए, उसको बस फील करते रहिए और थोड़ी देर बैठे रहें। गर्मी लगे या पसीना आए तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। अर्कंजल राफेल आपके साथ। लाइट को अपने एक एक बॉडी के सेल में फील करें। ये ग्रीन लाइट जो आपके ऊपर पड़ रही है, जो आपके ऊपर बरस रही है, वो आपके एक एक बॉडी पार्ट को फील कर रही है, आपके बॉडी पार्ट में अंदर तक जा रही है, आपके एक एक सेल में ये लाइट भर रही है। आप इस ग्रीन लाइट से पूरा नहा चुके हैं। करें कि आपके हेड में, आपके मस्तिष्क में जो आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं, आपके न्यूरॉन्स होते हैं, चेंज हो रहे हैं, आपका नर्वस सिस्टम चेंज हो रहा है और उसमें नए नर्वस सिस्टम, नई तंत्रिकाएं बन रही हैं, नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। पूरा ध्यान आपके माइंड पे, विजुलाइजेशन पे, यस फील करें कि हो रहा है। बाकी के बॉडी सेल्स में फील करें कि बाकी के बॉडी सेल्स में भी चीजें चेंज हो रही हैं, जो कि नेगेटिव जंक डीएनए है वो सब, उसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है और उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है कि अब वो एक न्यू डीएनए क्रिएशन हो रहा है, एक डिवाइन डीएनए जो बिल्कुल सही पैटर्न में और जैसा होना चाहिए वैसा ही है। हैप्पीनेस फील करें अपने अंदर, थोड़ा मुस्कान लेके आए, बहुत सीरियस ना रहें, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहे मन में।
लाइट को अपने ऊपर पड़ता हुआ फील करें, ग्रीन लाइट आपके ऊपर पड़ रही है और आपके पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच रही है, एक एक ऑर्गन तक, हार्ट तक, आपके इंटेस्टाइन, आपका स्टमक, आपके पेनक्रियास, लीवर, नीचे आपके सेक्स ऑर्गन, आपके लेग, थाई, सभी तक ये एनर्जी पहुंच रही है, ये लाइट फील करें वहां तक, हर एक ऑर्गन को। अभी तक जिस ऑर्गन को अपनी फील नहीं किया है, उन ऑर्गन से अपना ध्यान लेके जाएं और सिर्फ इतना फील कर लें कि ये जो लाइट है जो पड़ रही है वो आपके एक एक सेल तक पहुंच रही है और वहां पे चीजें चेंज हो रही हैं। फील करें और फील करते रहें। अलाउ करें गॉड को, आर्कएंजल राफेल को अलाउ करें, आर्कएंजल राफेल मैं आपको अलाउ करती हूँ कि मेरे जो भी जंक पेन हैं, जो भी मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि रॉन्ग बिलीफ पैटर्न जो मेरे डीएनए में है, वो सब चेंज हो, वो सब रिलीज हो। बोले मैं अलाउ करती हूँ जो भी मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, बिलीव सिस्टम, जो भी जंक डीएनए है, रॉन्ग कोडिंग है, वो सब रिलीज हो। अलाउ कीजिए आर्कएंजल राफेल को, बोलिए कि मुझे तो नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, पर मैं आपको अलाउ करती हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है या कुछ ऐसा हो मेरे अंदर, तो हील होना बहुत जरूरी है। जो भी रॉन्ग पैटर्न्स हैं, रॉन्ग एंसेस्टर कर्मा है, जिनको हील होना जरूरी है, वो मेरे अंदर से हील हो, मैं आपको अलाउ करती हूँ। आर्कएंजल राफेल को अलाउ करें कि मैं आपको अपनी बॉडी में न्यू डिवाइन सेल आप क्रिएट करें, इसके लिए मैं आपको अलाउ करूं। आपकी मैं न्यू सेल रीबर्थ एनर्जी इनवाइट करती हूँ, मैं अपनी बॉडी में आपकी न्यू हीलिंग एनर्जी, न्यू सेल रीबर्थ एनर्जी इनवाइट करती हूँ। मैं अपने सभी सेल्स में, अपने एक एक छोटे छोटे भी डीएनए में, अपने हर बॉडी के ऑर्गन्स में आपकी हीलिंग एनर्जी इनवाइट करती हूँ। करें आर्कएंजल राफेल की स्कैनिंग, पूरी बॉडी में जो वो लाइट डाल रहे हैं वो आपके ऊपर पड़ रही है। अभी आर्कएंजल राफेल ने एक न्यू व्हाइट कलर की लाइट डालनी आपके ऊपर शुरू करी है, जो एक न्यू रीबर्थ एनर्जी है। आपके सभी डीएनए
जंग से अन्य हील होंगे, और जो भी टूट फूट है या जो भी डैमेजेस हैं आपके बॉडी के अंदर, वो सब अब हील होंगे और न्यू रीबर्थ आपके सेल्स का होगा। फील करें इस वाइट लाइट को, रिसीव कीजिए बॉडी में, रिसीव कीजिए इस वाइट लाइट को। फील करें आपके ऊपर वाइट लाइट पड़ रही है, आपके हेड पे, आपके फेस पे, आपकी आईज, आपके लिप, आपके नेक, चेस्ट, शोल्डर, है ना, हार्ट चक्रा या हार्ट, आपके स्टमक, आईज, लेग, होते हुए नीचे आपकी उंगलियों तक पहुंच रही है। पूरा आपने अपने ऊपर ये लाइट फील कर ली है। आप पूरा नहा गए हैं इस वाइट लाइट से। आपके हाथ पैर पूरी तरीके से हील हो गए हैं। फील करें अपने बॉडी के एक एक पोर्स में ये वाइट लाइट फील करें, और बहुत ही पॉजिटिव। पूरी तरीके से अंदर से शांति, हैप्पीनेस फील करें। जो भी नेगेटिविटी बॉडी में, वाइब्रेशंस या कुछ भी फील हो रहा था, पेन फील हो रहा था, वो सब रिलीज हो रही है और आपके अंदर एक नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं और हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में भर रही है। कोई भी पेन, कोई भी हर्ट, वो सब रिलीज कर देगी और आपको पूरी तरीके से हील कर देगी ये वाइट लाइट। फील करें, और अभी आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑब्जर्व करें अगर कुछ पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, बैठे बैठे पैर दर्द होने लगता है इधर से बैठे। बाकी और बॉडी में अगर वाइब्रेशन हो रही है या हाथ पैर पकड़ रहे हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा फील हो रहा है, उसको रिलीज करें। बोले कि आर्कएंजल राफेल, ये पेन, ये दर्द रिलीज कीजिए, और आप लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, जैसे कि सारी नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। रिलैक्स करें और सांस छोड़ें, और आप अब थोड़ा थोड़ा हिल भी सकते हैं, हिल सकते हैं, पैर वैर स्टक हो गए तो सब ठीक चले, और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जो भी पेन बॉडी में हो रहा है उसको रिलीज करें। कोई वाइब्रेशन हो रही है, आपकी किस चक्रा में वाइब्रेशन हो रही है, रिलीज करें और फील करें कि ये जो व्हाइट लाइट है आपके सभी चक्रास पे भी पड़ रही है, आपकी बॉडी पे पड़ रही है, धुएं की तरह सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। आपके एक एक चक्रास पे फील करते जाएं इस व्हाइट लाइट की एनर्जी को, व्हाइट लाइट पड़ती हुई, और उस चक्रा से सारी ब्लॉकेजेस और हैवीनेस धुएं की तरह उड़ रही है। आपके नाड़ियों से भी सारे ब्लॉकेजेस धुएं की तरह उड़ रहे हैं, और आपके बॉडी से भी, आपकी स्किन से भी, जो आपके ऊपर के लेयर है, स्किन है, वहां से सब नेगेटिविटी सब धुएं की तरह उड़ती जा रही है। आपके ऑरा पे भी ये लाइट पड़ रही है, आपका जो आसपास का ऑरा है उस पे भी ये लाइट पड़ रही है, सब नेगेटिविटी डैमेजेस धुएं की तरह उड़ते जा रहे हैं, सब यूनिवर्स में चला जा रहा है ये नेगेटिव एनर्जी,
और आप हील और क्लीन फील करते जा रहे हैं, कोई भी पेन वगैरह है सब रिलीज होता जा रहा है। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और अच्छा महसूस करें। चलिए अब ये ग्रीन लाइट पड़ना आपके ऊपर बंद हो गई है, व्हाइट लाइट पड़ना आपके ऊपर बंद हो गई है, बंद हो गई है पढ़ना। अब आर्कएंजल राफेल को धन्यवाद करें, थैंक्स बोलें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंदर हीलिंग करने के लिए। आप अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को भी एक बार ध्यान करके धन्यवाद बोलें, मेरे साथ रहते हो, मेरा सपोर्ट करते हो, मेरी बात मानते हो। वैसे तो आपके ऑर्गन्स आपकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दीजिए और बोले कि यस तुम मेरी बात मानते हो, अच्छा फील कराएं। आपके कंट्रोल में तो कोई चीज़ रहती नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना है तो उसको प्यार जताएं। थैंक्स बोलें उससे, लव करें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी थैंक्स बोल लीजिए कि थैंक यू हवा पानी यूनिवर्स, जो भी आपने मुझे दिया है, हवा में मैं सांस ले रही हूँ, जैसे मैं जिंदा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति को थैंक्स बोलिए, थैंक यू सो मच मुझे जिंदा रखने के लिए। चलिए तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे, धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। आपके जो भी एंजल हैं, जिन पे आपकी पूरी श्रद्धा है, जिनको आपने इनवाइट करा था, उन्हें भी थैंक बोल लीजिए। वो मैंने भूल गई, मैंने कहा नहीं, तो उनको भी थैंक बोल लीजिए। और अब धीरे धीरे अवेयरनेस में आएंगे। मैं 1 से 10 तक की काउंटिंग करूंगी और आप डीप गहरे ध्यान से अपने आप को थोड़ा थोड़ा बाहर महसूस करना शुरू करेंगे। तुरंत ही आप डीप ध्यान से जगा देना सही नहीं होता है, तो मैं जैसे जैसे काउंटिंग करती जाऊंगी 10 से 1 तक, वैसे वैसे आप मेडिटेशन से धीरे धीरे बाहर आना और थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1। आप मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं, अपने हाथों को रब करके अपनी आईज पे रखें। हाथों को रब करके अपनी आईज पे रखें, अपने फेस को हीलिंग दीजिए। अपने बाकी बॉडी पार्ट को टच कर लीजिए, हार्ट को टच कर लीजिए, पैरों को टच कर लीजिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है? मैम मेरे ना बैक से हीट निकल रही थी, इतनी ज्यादा हीट निकल रही थी कि मेरे को थोड़ी सी मूवमेंट करनी पड़ी, तो फिर वो जाके रिलैक्स हुआ। हीट निकल रही थी तो मतलब कुछ रिलीज हो रहा था। ओके हाँ, तो कुछ रिलीज अभी ठीक है ना? अभी आप रिलैक्स फील कर रहे हैं? हाँ मैम। चलिए मैडम, मेरे राइट नी में काफी पेन फील हो रहा था मुझको, लेकिन वो जा भी रहा था। नहीं, बैठने की वजह से नहीं, जब डीप मेडिटेशन में गए ना, उसके बाद 2 बार राइट नी में ही पेन हुआ। एक्चुअली मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, लेकिन राइट नी में बहुत पेन फील हो रहा था। अच्छा, लेकिन जा भी रहा था वो अपने आप। अच्छा, जा भी रहा था, पेन हो रहा था और जा रहा था। हाँ हाँ, अब में भी कुछ
स्टक हो पैर में वो रिलीज हो रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे बॉडी में सब कुछ जहाँ इम्पोर्टेंट था वो रिलीज कर रहे थे, तो मे बी वहां पे कुछ स्टक हो, वहां से रिलीज हो रहा हो, तो कुछ फील हो रहा था, मतलब कि कुछ रिलीज हो रहा था, आपको नहीं पता क्योंकि वो बहुत हिडन रहता है, तो बस आप फील कर पा रहे थे कि बॉडी में कुछ हो रहा है, क्योंकि बिना एनर्जी के तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो चल रहा था बॉडी में, इसीलिए तो कुछ फील हो रहा था आपको, या किसी को हीट फील हो रही थी, या किसी को रिलीज फील हो रहा था। हाँ, मुझे भी राइट नी में टिकलिंग सेंसेशन हो रहा था और बैक में एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि सारी एनर्जी वहीं पे एक्युमुलेट हो गई है बैक में। तो फिर वो रिलीज हुई मेडिटेशन से जब बाहर आई तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब आप बोल रहे थे ना कि विजुलाइज करिए कि सब कुछ रिलीज हो रहा है, तो उस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि पूरी एनर्जी वहां आके इकट्ठा हो गई है बैक किस में। चक्र पे, किसी चक्र पे इकट्ठा हो गई है? हाँ, ये सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस चक्र। चलिए, वेरी नाइस। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन की वजह से में भी ऐसा हो सकता है कि सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेशन के प्रोसेस में हो, या उसमें कुछ नेगेटिविटी हो वो निकल रही हो, है ना? क्योंकि जब हमारे चक्र एक्टिवेट हो रहे होते हैं तो उसमें हमको सेंसेशन या भारीपन फील होता है, तो आपको वहाँ पे एक भारीपन, एक हैवीनेस फील हो रही होगी, रखा हुआ है, तो वो एक्टिवेशन के प्रोसेस में ऐसा फील होता है। जब आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पे एक भारीपन सा, एक रोटेशन सा फील होगा, या फिर आपको एक जैसा कुछ रखा हुआ ऐसा कुछ फील होगा, या ऐसा कुछ, है ना? मैम, मुझे जॉइंट्स की मतलब कमर के पास में ही फ्रंट साइड में पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, और लेकिन जब रिलीज का बोल रहे थे ना आप, तब रिलीज हो रहा था, लेकिन बाद में फिर भी पेन हो रहा था, और अभी भी मुझे हल्का हल्का लग रहा है अभी, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा था, इससे ज्यादा। चलिए ठीक है, वेरी नाइस। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये रिलीज ही हो रहा था, इसी की वजह से हो रहा था, तो डेफिनेटली अगर कहीं पे भी कुछ भी पेन हो रहा है तो ये तो मुझे पता ही था पेन होगा, क्योंकि जब बॉडी में कुछ क्रियाएं चल रही हैं तो पेन होना नॉर्मल है। अभी ठीक है, अभी आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं, अभी आप अगर फीलिंग थोड़ा बहुत आ रही होगी तो मतलब वहां पे इतनी देर तक पेन हुआ इसलिए आपको फील हो रहा है बस, बाकी वहां पे कुछ भी स्टक नहीं है, रिलीज हो गया है। और ठंडा ठंडा लग रहा है आपको? बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। और किसी को कुछ ऐसा एक और तो... बहुत अजीब सी चीज है जो मुझे पूछनी है उसको। हाँ मैम, हाँ मैम, मैं जब भी आपके साथ मेडिटेशन करती हूँ ना, हमेशा सक्सेस ही होता है, पॉजिटिव ही, मतलब अभी भी मेरे को नॉन स्टॉप जमाई आ रही है वो बात से, मगर बहुत रिलैक्स लग रहा है, तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि नर्वक का कोर्स खत्म होने के बाद, मतलब ना आपके साथ हमेशा ही मैं नर्वक करते रहूं, ऐसा लगता है, तो डर लगता है कि अगर एक मंथ का हो गया तो फिर बाद में मैं खुद से कर पाऊंगी या नहीं मेडिटेशन, और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच, बट आपको जैसा डिपेंडेंट नहीं होना है ना, ऐसा डरना नहीं है, हम कोई नया इशू क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है? आप इतना एक महीने तक अगर आप कर रही हैं तो आपको बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिल गया होगा, तो आपको खुद पे भरोसा करना है कि मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी खुद पे ट्राई करने का, है ना? और खुद से कुछ दिन ट्राई कीजिए, अगर आप खुद पे नहीं करेंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कर सकती हैं, है ना? हाँ मैम, और पहले अब मेरे को वीडियोस जो है ना ज्यादातर एक ही और क्रिस्टल के ही आ रहे हैं, पहले वीडियोस ट्विन फ्लेम इम्पैक्ट के आते थे, लेकिन अब लगातार वो रेकी और क्रिस्टल, तो क्रिस्टल क्या एस्ट्रोलॉजी से देख आपको सीखना हो, मे बी आपको रेकी और क्रिस्टल से हीलिंग करना हो, या फिर ये चीज सीखना हो, इसके बारे में जानना हो, अगर ज्यादा वीडियो इसके आ रहे हैं तो आप इसको जानने का प्रयास करें, इसको सीखें, मे बी क्योंकि होता है ना कि गॉड अगर हमको जिस दिशा में भेजना चाहते हैं या जो भी कराना चाहते हैं तो उस चीज के बारे में अपने आप ही गाइडेंस देते हैं, तो आपको अगर ये गाइडेंस मिल रही है और आपके सामने ऐसे वीडियोज आ रहे हैं तो उसको सीखें, देखें और उसके बारे में और जाने, रेकी के बारे में, उसकी हीलिंग के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, कैसे उससे हीलिंग कर सकते हैं उसके बारे में, है ना? कोई आप अगर इसके आगे भी अगर आपको अच्छा लगता है, कंटिन्यू करना चाहती है, तो इसके क्षेत्र में आगे बढ़िएगा, सीखिएगा, मे बी ये आपका सोल पर्पस हो। हाँ मैम, वो क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैंने क्रिस्टल मंगाए भी है फ्लिपकार्ट से। हाँ, पहले आप इसके बारे में जानिए, इससे खुद की हीलिंग कीजिए, उसके बाद इससे आप दूसरों की हीलिंग जब आप सीख जाएंगे तो पहले अपने ऊपर ट्राई कीजिए, देखें कि क्या
कैसे हील होता है इससे, कैसे ये हमारे ऊपर काम करता है, और उसको महसूस कीजिए कि कैसे उसका इफेक्ट अपनी बॉडी पे पड़ता है, कैसे हम चेंज होते हैं, और उसके बाद फिर आप सीख जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये काम करता है ना। चलिए, और किसी का कुछ है? मैडम आज न्यू मून है ना, तो आज और क्या करना चाहिए दिन भर में? आज न्यू मून है तो आज मैंने नेगेटिव एनर्जी क्लियरिंग करा दी ना आपके बॉडी में, ये चीज हो गई। चलिए, एक तो ये चीज आपने कर ली। इसके अलावा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि न्यू मून है, अमावस्या है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में आपका कोई एक इशू जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता हो उसकी हीलिंग करें, क्योंकि आज एनर्जी बहुत ज्यादा सरफेस पे आ रही होती है और आपकी एनर्जी भी बढ़ी हुई होती है, तो आप कोई भी चीज रिलीज करते हैं तो चांसेस ज्यादा होते हैं उससे रिलीज होने के। तो जो भी मेन आपको परेशान कर रहा हो वो रिलीज करें, या फिर आपके पास कोई मेडिटेशन अवेलेबल हो या कोई आपने परचेज किया हो तो वो कर लीजिए। और ये जो ये वीडियो है डीएनए क्लिंजिंग का, वो भी मैं यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, आप इससे भी आगे डीएनए क्लिंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए क्लिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार आप अगर करेंगे तो और ज्यादा इफेक्ट आता है। वैसे तो जल्दी जल्दी चीजें हील होने लगती हैं, जल्दी जल्दी क्लियर होने लगता है, और जो एंसेस्टर कर्मा बिलीफ सिस्टम है हमको पता भी नहीं है कि क्या स्टक है क्या नहीं है, वो सब अपने आप ही रिलीज होने लगता है, ठीक है। तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए ये यूट्यूब पे डालूंगी, लेकिन इसको डालूंगी ताकि आप लोग बार बार ये चीज कर सके। पर डे एक बार करके कर सकते हैं ना ये डीएनए क्लेंजिंग? पर डे आप 10 दिन तक लगातार या 15 दिन तक लगातार, एक हफ्ते तक लगातार कर सकते हैं। आपको खुद ही फील होगा कि एक हफ्ते तक अगर लगातार करें तो खुद ही अपने अंदर चेंजेस फील होगा। चींटी के काटने के जैसा फील हो रहा था पैर में, लेफ्ट लेग में, और डीप मेडिटेशन में जाते ही नींद आ रही थी बहुत। तो ये चींटी के काटने जैसा भी फील हो रहा था, तो भी एक तरीके का एक्सपीरियंस ही है कि आपके बॉडी में कुछ ना कुछ हो ही रहा था, तो रिलीज ही हो रहा था एनर्जी। तो क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे थे कि डेड सेल्स जो हैं, जंक डीएनए, वो मर रही हैं और नया अरेंजमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो हम कह रहे थे, तो अगर बॉडी में हो रही थी तो कुछ ना कुछ तो महसूस होगा ही ना, कि कुछ तो हो रहा है बॉडी में, कोई वही एक्सपीरियंस बताए जिसका बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि ऐसे ही बात करेंगे तो मैं तो बात ही करती रह जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले मुझे बहुत नींद आती थी, लेकिन जब से इनर वर्क कर रही हूँ ना तो एनर्जेटिक लग रहा है, सोती नहीं हूँ मैं, कम हो गई है मेरी नींद, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है इनर वर्क करें। वेरी नाइस। तो हाँ, ये बात भी है कि अगर आपकी नींद कम हो जा रही है और फिर भी आपको एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो ये मेडिटेशन का इफेक्ट। दिवाली है लेकिन फिर भी ऐसे अलग लग रहा है, ऐसे लगता है दिवाली है लेकिन व्हाई वी आर नॉट वेरी हैप्पी, ऐसे आई डोंट नो। दिवाली है तो आप हैप्पी फील करें ना, आप ऑब्जर्व किया करें कि आपको वो जो जैसे कि अगर आपको कभी भी सैडनेस फील होती है, किसी को भी सैडनेस फील होती है, तो आप ऑब्जर्व करें उसके साथ, बैठे उस सैडनेस के साथ और दिमाग चलाना शुरू करें कि ये क्यों फील हो रहा है आपको, क्या रीजन है कि ये सैडनेस फील होती है, उस रीजन में घुसें और उस रीजन को क्वेश्चन करें। अच्छा, तो ये इस वजह से फील हो रहा है, तो क्या ये इतना जरूरी है मेरे लिए, क्या मेरी हैप्पीनेस से जरूरी है, या जो पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है, जिस चीज के लिए सैड हैं, उसमें आप देखें कि क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपको खुशी दे, जो करने से आपको गिल्ट फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है, जो चीज करने से आपको हैप्पीनेस नहीं मिल रही, उसको तुरंत ही लेट गो करें कि मैं ये करूंगी नहीं, नया डिसीजन लें, नई चॉइसेस लें, और ऐसा कुछ डिसीजन लें जहाँ पे आपको हैप्पीनेस फील हो, अच्छा फील करें, अच्छा जो आपको अच्छा महसूस कराए वो डिसीजन लीजिए, वो चॉइसेस लीजिए, तुरंत ही आपको अच्छा फील होने लगेगा। आपको उस सैडनेस को ऑब्जर्व करने के, आखिर हो क्यों रहा है, आपको पता है इतने सारे मेडिटेशन जो नए नए बना के आपको दिए जाते हैं, या नई नई चीजें आपको बताई जाती है कि ऑरा क्लिंजिंग मेडिटेशन कर लो, ये गोल्डन हार्ट मेडिटेशन कर लो, ये मरखावा मेडिटेशन कर लो, या फिर कुछ और मेडिटेशन कर लो, ये सारे आपको कहाँ पे लेके जाते हैं जानते हैं? ये आपके नेगेटिव एनर्जीज को क्लियर करने पे, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए कराए जाते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिविटी का सोर्स अगर आप खुद ही बन जाए, तो अगर इस पॉजिटिविटी का सोर्स आप खुद ही बन जाए, तो क्या आपको बाहर से कुछ मेडिटेशन करने की जरूरत होगी? नहीं होगी। और ये पॉजिटिविटी का सोर्स कौन है? सोर्स आप हैं।
और ये सोर्स, ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है, कभी सोचा आपने नेगेटिविटी आती कहाँ से है? नेगेटिविटी हमारे सोच से आती है, जो हम नेगेटिव सोचते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं वैसे ही हम नेगेटिव हो जाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा ही नेगेटिव। अगर आपकी सोच आप पॉजिटिव कर ले, पल पल की सोच, मतलब कि जब नेगेटिव फील हो तभी सोचिए और तभी उसमें कुछ पॉजिटिव करिए, और ऐसे करके आप अगर करना शुरू कर देते हैं और ये चीज आपके हैबिट में आ जाती है, तो आपको कोई भी मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनर वर्क तक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपकी हैबिट बन जाए हमेशा पॉजिटिव सोचने की, और जब भी सैडनेस हो उसको तुरंत लेट गो करके नई चॉइसेस लेने की, नए डिसीजन लेने की, खुद को फ्री करने की, फियरलेस होने की, अपने आप ही हैप्पीनेस फील होगा। और सारे मेडिटेशन, सारे इनर वर्क आपको यही सिखा रहे हैं, जो आप खुद से नहीं क्रिएट कर पा रही है एनर्जी, वो क्रिएट बाहर से मेडिटेशन करा के कराया जाता है आपके अंदर, है ना। तो ये अगर सोर्स आप खुद ही बन जाएंगे तो एनर्जी आपके अंदर से खुद ही निकलेगी, कहीं से बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, ठीक है। यस मैम, ये बहुत एकदम एब्सोल्यूट है। लास्ट टाइम आपने वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। यस मैम, बिकॉज आपने लास्ट टाइम राम अवतार जी को बहुत एक्सप्लेन किया था इसी सेम टॉपिक को लेकर, लेकिन उसका असर मुझ पर बहुत ज्यादा पड़ा, पता नहीं मैम, लेकिन मुझ पे बहुत ज्यादा पड़ा, क्योंकि बहुत आदतें चेंज हो गई, क्योंकि बार बार नेगेटिव चीजें जितनी हावी होती थी, फट से हम लोग पॉजिटिव सोचना शुरू कर देती थी या नामस्मरण करना शुरू कर देती थी, जैसे आपने बताया था। तो अभी तो मैं हवा में ही हूँ मैम, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ और इमिजिएटली पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो अच्छा लग रहा था, सीरियसली ये काम करता है। चलिए थैंक यू सो मच उनके। चलिए ठीक है, तो आप सभी को एक बार थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मैम, हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली सेशन लिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, मेरे घर वालों को थैंकफुली हैप्पी दिवाली मैम सेशन दे पाती हूं। हां मैम, हां मैम, फ्री छोड़ते हैं कि मैं आपको टाइम दे पाती हूं। I know, because दिवाली के दिन भी सेशन लेना is a very big thing. अभी मैं यहाँ बैठ के आपसे बातें कर रही हूँ, उधर मेरी बहन और मेरी मम्मी काम कर रही है। अरे उन सभी को बहुत सारे थैंक्स मैम, बहुत सारे थैंक्स। चलिए थैंक यू सो मच, और उन सभी को हैप्पी दिवाली, थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बाय। यस, आप सभी को हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिए दिन भर, ओके। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं।